और भ्रम है। वह इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई के साथ, लेकिन देशवासियों ने इस बार कह दिया है कि हम इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई से डरते नहीं हैं। और दूसरा जो उनका अस्त्र है वो भ्रम का, वो हमने प्रचार में भी देखा। बांसवाड़ा में उन्होंने क्या कहा, बांसकाठा में उन्होंने क्या कहा, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के भ्रम को देशवासियों ने लोकसभा चुनाव में नकारा, उसी तरीके से आज भी आप राहुल गांधी जी के भाषण पर जो भ्रम फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश को भी देशवासी नकारेंगे। इसीलिए मैं देशवासियों के प्रति मैं बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि देश बदल चुका है, सदन बदल चुका है। आज आप देख रहे हैं कि जब विपक्ष जब अपनी बात उठता है तो प्रधानमंत्री को भी, कैबिनेट को भी अध्यक्ष महोदय से संरक्षण मांगना होता है। मैंने ऐसा नजारा पिछले 10 साल में नहीं देखा कि नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है, विपक्ष बोल रहा है और गृह मंत्री उठ के बोल रहे हैं कि हमें संरक्षण दो, हमें संरक्षण दो, हमें संरक्षण दो। ये है ताकत लोकतंत्र की, जहां पे सत्ता पक्ष हो, जहां पे विपक्ष हो। अगर आपके पास सत्ता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सही हो। अगर हम विपक्ष में हैं, इसका मतलब हम गलत है, ये इसका मतलब नहीं है। सत्ता पक्ष विपक्ष लोगों की दो राय रखता है और फिर जनता जनार्दन निर्धारित करती है कि वो किसको राय को स्वीकारता है, चाहे वो सत्ता हो का विपक्ष को। और इसीलिए आज देश बदल चुका है, बदल चुका है। उत्तर पूर्वांचल से, जहां से आज मणिपुर के दो सांसद हम जीत के आए हैं, नागालैंड में हम पिछले बार जब कांग्रेस पार्टी जीती थी तो वो 1996 में थी, अब आज दोबारा हम 2024 में जीत के आए हैं। मेघालय में इनके जो टूरा लोकसभा सीट हम जीत के आए हैं, वो पिछले सीट हम 1996-98 में हम जीते थे, आज दोबारा वो टूरा लोकसभा सीट हम जीत के आए हैं। आज एनडीए को उत्तर पूर्वांचल के लोगों ने नकारा है, मणिपुर में दोनों सीट हारे हैं, नागालैंड में एक सीट हारे हैं, मेघालय में ये दोनों सीट हारे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपके द्वारा जोरहाट के लोगों को, जिन्होंने एक मुख्यमंत्री को हराया, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं धुबरी के लोगों को, जिन्होंने एक सांप्रदायिक शक्ति को 10 लाख वोटों से हरा कर एक संदेश दिया है कि चाहे वो अल्पसंख्यक हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने आप को धार्मिक गुरु भी कहता हो, लेकिन धर्म के नाम पर अगर समाज को बांटता है तो प्रजा उसके साथ नहीं होगी। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, और ये बदलाव लाने के लिए वे सारे जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं, मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं। वे हजारों लोग जो राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे चले, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं उन पत्रकारों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने निष्पक्षता से अपने पत्रकारी का जो उन्होंने जिम्मेवार उन्होंने उठाया। आज एक संदेश गया उन पत्रकारों को जिनको हौले हौले प्रधानमंत्री मोदी जी से प्यार है, एक संदेश गया उन पत्रकारों को जो कहते हैं कि ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है कि अपनी पत्रकारिता पर ध्यान दे, नहीं तो लोग आपको देखना बंद कर देंगे। मैं आज युवाओं को मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने अपना विवेक का इस्तेमाल किया। मैं उन सनातन धर्मों को मानने वाले लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने आज नफरत और हिंसा पर नहीं, लेकिन धर्म जो हमें सिखाता है इंसानियत, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, हर धर्म हमें सिखाता है कि हम एक अच्छा इंसान बने, इंसानियत के आदर्शों को हमें सिखाता है, समाज एक आदर्श बने वो हमें सिखाता है। मैं गुजारिश करना चाहता हूं आपके द्वारा, मैं अंत में आ रहा हूं सर, लास्ट के दो तीन चीजें बोलना चाहता हूं। मैं आपके द्वारा मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आप बार बार बात करते हैं कि हमने एक नया सदन बनाया, लेकिन क्या ये उचित नहीं होता कि चाहे पुराना सदन हो चाहे नया सदन हो, इन दोनों सदनों के सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति हमारे सदन के सामने होनी चाहिए थी? क्या ये उचित नहीं था कि चाहे नया सदन हो, ये स्पीकर का प्रमाइसेज होता है। मैं अपनी व्यथा गुजारिश कर रहा हूं, मैं स्पीकर और महोदय को आपके द्वारा गुजारिश कर रहा हूं कि पहले के तरह सदन के सामने आदरणीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के मूर्ति को रखिए, और पहले के तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूर्ति को मैं गुजारिश कर रहा हूं। मैं स्पीकर के निर्णय का सम्मान करते हुए उनके मैं गुजारिश कर रहा हूं कि हमारी भी बात सुने, हमारी भी जो एक चेयर पे हूं सर, मैं चेयर पे हूं, तो अगर आपने स्पीकर से गुजारिश की तो सुन लीजिए। आपने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर की एक मूर्ति यहाँ जो स्थापित थी स्थापित होनी चाहिए, आपको भी निमंत्रण गया होगा
इस पार्लियामेंट में पहली बार सारे महापुरुषों का, बाबा भीमराव अंबेडकर से लेकर के महाराणा प्रताप से लेकर के, एक बड़ी वीथिका बनाई गई है उसी संविधान भवन के साथ, और जिसका उद्घाटन हुआ पिछले दिनों। शायद आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि एक पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसी चीज हो गई कि कोई भी बाहर का डेलीगेशन या हमारे खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या बाहर के लोग आएंगे तो उनको इस संविधान भवन, इस पार्लियामेंट के साथ साथ अपने देश के महापुरुषों को एक साथ सारी प्रतिमाओं को ढंग से रख करके पार्क बनाया गया। धन्यवाद अध्यक्ष। सभापति, सभापति महोदय, मैं बस गुजारिश कर रहा हूँ, आप हमारी भी बात रखने, आप सुनिए कि सदन के सामने अगर प्रेरणा स्थल बनाना भी हो तो सदन के सामने जहाँ पे उनका स्थान है, जहाँ पे उनके इतने सालों से जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मूर्ति को स्थापन करने के लिए एक पूरे देश में एक आंदोलन हुआ था, उस स्थान को एक वजह के से चुना गया था कि वो सदन के सामने हो, क्या ये उचित नहीं है? क्या ये हमारे गरिमा के अनुसार नहीं होना चाहिए कि सदन के सामने जिस हमारे भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी हमारे सदन के सामने हो, तो मैं दोबारा आपसे गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के मैं विनम्र आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप ये दोनों महापुरुषों के मूर्तियों को आप सदन में रखें। और अंत में जो हमने एक मांग रखी कि नीट को लेके एक चर्चा हो, शिक्षा विभाग को लेके आज एक बहुत एक असमंजस, नेता प्रतिपक्ष ने नीट पर लेके एक चर्चा हो, उस चर्चे पे एक आप अमल करें। और बस आखिरी मांग कि आज जो आदरणीय शिक्षा मंत्री है उन्होंने अपनी जिम्मेवारी 2021 में ली, 2021 में अपनी जिम्मेवारी लेने के पश्चात आज इतने सारे पेपर लीक हुए, उनको शिक्षा मंत्री एक और दिन होने का। श्री इंदिरा, आपने चर्चा की मांग की, बस श्री इंदिरा हंग सुब्बा जी, श्री इंदिरा हंग।